एक बार फिर से आपका स्वागत है नॉलेज पॉइंट पर। क्या आपने कभी ऐसे व्यक्ति के बारे में सुना है जो पहले बौना हो और बाद में बहुत लंबा हो गया हो? शायद ही आपने ऐसा कुछ सुना हो। आज हम आपको ऐसे ही एक व्यक्ति के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका नाम एडम रेनर था। नॉर्मली ह्यूमंस की हाइट 18 से 20 साल की उम्र तक ही बढ़ती है, उसके बाद बढ़ना बंद हो जाती है। बहुत ही रेयर चांस होता है कि कभी किसी की हाइट इस उम्र के बाद भी बढ़ जाए, लेकिन इतिहास में एक ऐसे व्यक्ति रहे हैं जो बौने और लंबे दोनों रहे हैं। एडम रेनर, जिनका जन्म ऑस्ट्रिया में हुआ था और 18 साल की उम्र में इनकी हाइट लगभग 4 फीट थी, और हाइट कम होने की वजह से उनको आर्मी में दाखिला भी नहीं मिला। लेकिन 20 साल की उम्र से लेकर 30 साल की उम्र तक अचानक से उनकी हाइट बढ़ने लगी और हर साल लगभग 3.1 इंचेस उनकी हाइट बढ़ती थी, और 30 साल की उम्र तक आते आते उनकी हाइट 7 फीट 2 इंच की हो गई थी। डॉक्टर्स ने जब इसको एग्जामाइन करा तो उन्हें ये बात पता चली कि एडम को पिट्यूटरी एडिनोमा है, यानी एक तरह का ट्यूमर, और इसी वजह से उनकी हाइट इतनी तेज़ी से बढ़ी थी। हालांकि डॉक्टर्स ने ट्यूमर को ऑपरेट करके निकाल दिया था, लेकिन एडम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके थे और इसी वजह से वो ठीक से सीधे खड़े भी नहीं हो पाते थे, और 50 साल की उम्र में 4 मार्च 1950 को उनकी मृत्यु हो गई, और उस समय उनकी हाइट 7 फीट 8 इंच थी। ये फैक्ट जानकर आपको कैसा लगा हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताएँ। वीडियो अगर पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।